इस ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो दीज आर द शॉर्ट पिक्चर्स एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम एंड टेलुरियम, पोलोनियम। तो द ऑक्सीजन फैमिली नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रो नाम अनुसार तो या ऑक्सीजन फैमिली बोली या ना दिया है। तो एथिरे जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम अच्छी तो ये जो ये एलिमेंट गुड़ाकर ये गुड़ाकर हम प्रॉपर्टी बढ़ेगा आमान भितर प्रायत बहुत इम्पोर्टाट हूँ आम ऑक्सीजन आउ सल्फर। ऑक्सीजन जानी ऑक्सीजन आम बहुत इम्पोर्टाट, सल्फर भी इम्पोर्टान्स बहुत अच्छे। तो या विषय आम तार टिके नहीं कर सब पढ़ा सब डिटेल देखा अब। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर हूँ 8 एंड एटॉमिक मास हूँ 16। तो एवरेज एटॉमिक मास हूँ तार 16। तो देख तो यार कलर के तो यहाँ बहुत आगे आम कौन करमक ये गैस हिसाब से मिलूँ बट लिक्विड फॉर्म रे भी यार यूजेस बहुत गुड़ा अच्छे जमती कि आमर ऑक्सीजन सिलिंडर गुड़ा लिक्विड फॉर्म रोच नॉर्मल स्टेट रे रूम टेम्परेचर ये गैसियस फॉर्म रोच। तो राइट साइड अच्छी यार तार बोर्स मॉडल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम रो ये बोर्स मॉडलटा एटा मैं टू डी फॉर्मटा एटा। तो आठटा इलेक्ट्रॉन मैंने देख ये जो प्रायत तो दुईटा सेल अच्छी। तो देखा एवं नेक्स्ट एलिमेंट हूँ आमर सल्फर। सल्फर इज द सेकेंड मोस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। द एटॉमिक नंबर इज 16 एंड एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली 32 amu एंड इट्स कलर इज स्लाइटली येलोइश कलर। इट इज सॉलिड इन स्ट्रक्चर, इट इज सॉलिड इन स्टेट। दिस इज द बोर्स मॉडल्स ऑफ सल्फर एटम एंड द डाउन्स इलेक्ट्रॉन सेल्स मीन्स केतेटा इलेक्ट्रॉन केतेटा प्रिंसिपल सेल अच्छे तार लिस्ट अच्छे तेल तार शॉर्टकट आ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे एंड डिटेल पढ़े तार आम कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गुड़ा देखा डिटेल्स रे जस्ट खाली आम शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ। तो नेक्स्ट देखा आम देखा सेलेनियम। सेलेनियम एटॉमिक नंबर इज 34 एटॉमिक मास इज 79 अप्रोक्सीमेटली एंड दिस इज द बोर्स मॉडल ऑफ सेलेनियम एटम। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टेलुरियम एटॉमिक नंबर 52 एटॉमिक मास 127.6। दीज आर द एटॉमिक मॉडल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेलुरियम एटम। दिस इज द एक्चुअल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ टेलुरियम। पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84 इट इज ए मेटालॉइड, इट इज ए रेडियो एक्टिव मेटल कहा जाए कहीं ना ये पूरा डाउन रही डाउन रही यार मेटालिक क्यारेक्टर अधिक रखे। तो यहाँ गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट जहाँ को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाए। द ग्रुप 16 ऑफ द पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स नेमली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉमनली नोन एज ऑक्सीजन फैमिली आफ्टर द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट मेंबर दैट इज ऑक्सीजन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कालकेजेन्स। देखो चालकोजेन्स बोली पढ़ ना आपको प्रोनाउंसिएशन कराए कालकेजेन्स बोली पढ़ मीनिंग ओर फॉर्मिंग। प्रायत एम जेहेतु अधिकांश ओर गुड़ा रोच
तेमानको और फॉर्मिंग एलिमेंट्स मध्ये कहा जाए। तो ग्रुप 16 एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाए बा को कैल्केजिन्स मध्ये कहा जाए। बिकॉज मेनी मेटल ऑक्साइड ऑफकोर्स इज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड, माने जो मेटल ऑक्साइड गुड़ा रहे तो तार ऑक्साइड गुड़ाक सल्फाइड गुड़ा थाए तेणुक कालकेजिन्स मध्ये कहा जाए, जार अर्थ हो चुके और फॉर्मिंग एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एंड 15। द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आल्सो शो ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जो आम टॉप टू बॉटम जीवा, टॉप टू बॉटम माने कौन जे ऑक्सीजन टू आ जितर को पोलोनियम जीवा, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी बढ़ी जीवो। ऑक्सीजन टा कौन नॉन मेटल, पोलोनियम टा गोटे रेडियो एक्टिव मेटल, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ी बढ़ी जाऊची। दस ऑक्सीजन एंड सल्फर आर टिपिकली नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलुरियम दो एसेंशियली नॉन मेटालिक। सम मेटालिक कैरेक्टर एज वेल एज हेन्स मे बी कॉल्ड मेटालॉइड्स, ताने टेलुरियम आउ सेलेनियम पाखरे मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत अच्छी एम को मेटालॉइड्स मध्य कह जाए। द लास्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप पोलोनियम इज हाउएवर मार्केडली मेटालिक, माने यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर अच्छी। इट इज आल्सो रेडियो एक्टिव विथ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, तो पोलोनियमटा हूँ रेडियो एक्टिव मेटाल। तो ऑकरेंस देखा एवं ऑकरेंस माने कौन जे ऑकरेंस माने हूँ तो एलिमेंट गुड़ाक आम अर्थ कौट के परिमाण अच्छा तार अर्थ हो सीटा। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, माने एमानको भितर ए जो ग्रुप सिस्टम एलिमेंट मानको भितर ऑक्सीजन बहुत परिमाण रे मिलुचे बा अवेलेबल अछि। तो केमते अवेलेबल हेतो जदि आमे एटमॉस्फेयर देखिबा, फर्स्ट तो अधिकांश नाइट्रोजन अछि, ऑक्सीजन तो आबे कम अछि ना 21% पाखा पाखी। बट प्रॉब्लम कोन देव आमे देखु देखले ए रेसन 21% अछि वो वाटर रे जो H2O H2O अछि, तो H3 ऑक्सीजन अछि ने ए ऑक्सीजन में आमे काउंट करि परिबा। आउ देखिबा जो जे स्टोन गुड़ाक बा माटी रे ए जो बाली थाए से आउ जी SiO2 फॉर्म रे थिवो से गुड़ाक बा यार कंपाउंड हे थिवो, ता माने ए ऑक्सीजन मध्ये हम काउंट करिबा। जे टोटल ओवरऑल जदि हम ऑक्सीजन को से कंपाउंड हो कि तर एलिमेंटल स्टेट रो बहुत काउंट करिया, माने यार प्रेजेंस टा बहुत अछि देखिबा गले एडतरे। देखिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स माने कौन जे एटा ग्रुप 16 कथा कहा हो छी, टोटल एलिमेंट कथा कहा होने एटा हो छी केवल ग्रुप 16 एलिमेंट्स पे कहा हो छी। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को मध्य रो ऑक्सीजन हो छी मोस्ट अबंडेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 यार अर्थ। इट अकोर्स इन द फ्री स्टेट एज डाइऑक्सीजन, माने ये इंडिपेंडेंट है कि O2 फॉर्म रहे बा स्टेबल फॉर्म हो जा रहा O2 ही रहे हो, मैक्स अप टू 21%, सॉरी एटा रॉन्ग अछि ए बुक रे टिके अलग अछि बट आई एम नॉट ठीक कर लिखे छु। तो 20.946% पाखा पाखा अछि, दैट इज एवरेज इक्वल टू 21% हला। तो यहाँ तार एक्चुअल वैल्यूटा, तो 21% अप्रोक्सीमेटली, दैट मीन्स 23% बाय मास ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो मास अच्छे तार 23% ए एक्वायर करुची ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द O2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय photosynthesis in which chlorophyll the green coloring matter of the plant absorb energy and form sun convert to CO2 and H2O of the atmosphere and glucose and oxygen। यार अर्थ कौन जे तो पढ़ती आगर ए photosynthesis से कौन हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूज है कि आउ ए जे ब्राइट प्रोडक्ट आम मिले ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये बाहर ता माने
କହିପାରିବା କ୍ଲୋରୋ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଏଜ୍ ଏ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରିବ ବା ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସୋର୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ଇଟ୍ ଆଲ୍ସୋ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଓଜନ୍ O3 ଏଇଟା ଏଲୋଟ୍ରୋପି ଫର୍ମଟା ତା'ର ଆଣ୍ଡ ଏଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅପର୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ୱିଚ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଅସ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ରେଡିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସନ୍। ତ ଏଇଟା ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ତା'ର ସୋର୍ସ ହେଇପାରେ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେକ୍ସ ଅପ୍ 46.6 ବାଇ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ମେନ୍ଲି ଅକର୍ସ ଇନ୍ ସିଲିକେଟ୍ ମିନେରାଲ୍ସ। ସିଲିକେଟ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ SiO2ର କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଥିରେ ରହିବ। ସିଲିକେଟ୍ ମେଟେରି ବା ମିନେରାଲ୍ସରେ ରହିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ତ ସିଲିକେଟ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ରହୁଛି। ତ ତେଣୁକରି ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟରେ 46% ବାଇ ୱେଟ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହିଛି। ଆଲ୍ସୋ ମେକ୍ସ ଅଫ୍ 89% ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର୍ ଇନ୍ ଦ ଓସେନ୍। ଓସେନ୍ ୱାଟର୍ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ୱାଟର୍ର ମେଜରିଟି ଦେଖିବା ତ ୱାଟର୍ରେ H2 ଅଛି, 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, 1 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଇ ୱେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ୱେଟ୍ଟା ଅଧିକ, ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ୱେଟ୍ ଯଦି ଆମେ 2 ଧରିବା ତ ରହିଲା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ତ 16। ତେଣୁକରି ତ ମେଜରିଟି ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ କହିପାରେ 89% ବାଇ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଇନ୍ ଓସେନ୍ସ, ତ ସେଥିରେ 89% ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହିଁ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସେତ ରହିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ର, ସଲଫର ଦେଖିବା ଏବେ। ସଲଫର ଅନ୍ ଦ ଅଦର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅକର୍ସ ଲେସ୍ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟଲି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 16th ମୋଷ୍ଟ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 0.032-0.01% ବାଇ ମାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟ। ଏ ଏର୍ଥ କ୍ରଷ୍ଟରେ 0.032-0.01% ବାଇ ମାସ୍ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର 16th ଏଲିମେଣ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 16th ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ତ ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଇଏ କମ୍ବାଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଅକର୍ସ ଇଜ୍ ସଲଫେଟ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଜିପ୍ସମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଜିପ୍ସମ୍, ଜିପ୍ସମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓର୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲଫର ଅଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ସଲଫେଟ୍ରେ ଏ ସଲଫରଟା ରହିଛି। ଦେନ୍ ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ .7H2, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ। ବେରାଇଟ୍, ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲଫାଇଡ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଗେଲେନା, ଲେଡ୍ ସଲଫାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ZNS, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜିଙ୍କ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଲଫର ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ କପର୍ ପାଇରାଇଟ୍, କପର୍ ପାଇରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର କପର୍ ଆଇରନ୍ ସଲଫାଇଡ୍, ଏହାକୁ କପର୍ ପାଇରାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ 2 ସଲଫର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସେଲେନିୟମ, ଟେଲିୟମ୍ ଆଉ ପୋଲୋନିୟମ୍ର। ତ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ସେଲେନିୟମ୍ ଆଉ ଟେଲୁରିୟମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଟାଲୋଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏ ମେଟାଲୋଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଇଏ ସଲଫାଇଡ୍ ଅର୍ ଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିବ। ତ ସେଲେନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲୁରିୟମ୍ ଆର୍ ଲେସ୍ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ସଲଫର। ତ ସେଲେନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅର୍ ମିଳିବ ସେଲେନାଇଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲ ସଲଫାଇଡ୍ସ ଓ ଟେଲୁରାଇଡ୍ସ, ସେଲେନାଇଡ୍ସ ଆଉ ଟେଲୁରାଇଡ୍ସର ସଲଫାଇଡ୍ ଅର୍ ଗୁଡ଼ାରେ ମିଳିବ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ସେଲେନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲୁରିୟମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସଲଫାଇଡ୍ ଅର୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଏହାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ରହିବ। ଯଦି ସଲଫର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟଟା ବା ଆଭେଲେବିଲିଟିଟା ବହୁତ କମ୍ ସଲଫର ତୁଳନାରେ। ତ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ସେଲେନିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲୁରିୟମ୍ର। ଇଜ୍ ଦ ଏନୋଡ୍ ମଡ୍ ଅର୍ ଏନୋଡ୍ ସ୍ଲିମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जिते बड़े कि कॉपर रो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा जाए सेते बड़े एटा एनोड मोड रे मिलिबो। यदि हम देखियो पोलोनियम, पोलोनियम इज इवन लेस अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एटा बहुत कम परिमाण में मिलुचे। इट अकर्स एज ए डीके प्रोडक्ट इन थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल। तो ये थोरियम और यूरेनियम मिनरल डीके प्रोडक्ट मिलचे पोलोनियम टा।